केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने तमाम विधायकों के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए देश के बजट को ऐतिहासिक बजट बताया। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में विपक्षी दलों के चेहरे बेनकाब करते हुए उन्हें जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है और इनका एक ही मकसद है कि कैसे किसान के नाम पर सरकार को अस्थिर किया जा सके और देश में उपद्रव और हिंसा फैलाई जा सके। अपने आप को किसान हितैषी बताने वाले दलों के राज में किसानों का शोषण किया जाता था और उन पर गोलियां बरसाई जाती थीं, लेकिन ये सिर्फ मोदी सरकार है जिनके राज में दिल्ली में दंगा होने के बावजूद पुलिस ने एक भी हवाई फायर तक नहीं किया। विपक्षी दल 54 साल के राज में किसानों का भला नहीं कर पाए। एक बात कह सकता हूँ, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, किस तरह सूरज को हटाया जाए। तो इनका किसानों हित से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक ही ध्येय है कि मोदी सरकार को किसानों के नाम पर अस्थिर किया जाए, देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जाए, देश में उपद्रव और हिंसा फैलाई जाए। इन किसान हितैषी दलों को मैं समझता हूँ, इनके राज में किस तरह किसानों का शोषण हुआ, किस तरह निहत्ते किसानों पर गोलियां चलाई जाती थी। ये मोदी मनोहर योगी जी की सरकार है जिसने दिल्ली में दंगा होने के बावजूद भी पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाए गए हों, तलवारों से हमला किया गया हो, लाल किले पर तिरंगे की जगह पंथ का झंडा फहराया गया हो, फिर भी एक हवाई फायर किसी पुलिस के कर्मचारी ने नहीं किया। वरना यही विरोधी दल जब जब किसान अपनी मांग करता था, उनकी मांग मानने की बजाय उनको गोलियों से भूना जाता था। ये हमको पाठ पढ़ाएंगे किसानों का, जो 54 साल में किसानों का भला नहीं कर पाए। देखिए, इन लोगों ने विश्वासघात किया है, अपनी बात से मुकरे हैं। इनसे जो समझौता हुआ था, उस समझौते को तोड़ने का काम इस किसान संगठनों ने किया है। जिस रूट पर जाना था, उस रूट पर ना जाकर इनका निशाना कुछ और था, इसलिए इनसे विश्वास हट गया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इन लोगों से कि अपना विश्वास फिर से कायम करें। टकराव कोई रास्ता नहीं है, बातचीत रास्ता है। ये काला कानून कहने वाले बताएं तो सही, काला क्या है? कोई तथ्य तर्क पर बात करें, सिर्फ एक जिद पर अड़े हुए हैं कि कानून वापस लो। आज ये कहते हैं, जब मोदी जी ने कहा है मुझे 2022 तक इस देश के किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, उस दुगनी करने के लिए नए प्रावधान, नए कृषि कानून लाए गए हैं, उनको ये लागू नहीं करना देना चाहते। और 2022 में यही लोग कहेंगे कि बताएं मोदी जी आमदनी किसानों की दुगनी क्यों नहीं हुई, छितबीन की पटबीन की ये करना चाहते हैं। बीजेपी के करीबी बताए जा रहे हैं, जो जिन्होंने लाल किले पे झंडा लगाया, बीजेपी के करीबी बताए जा रहे हैं, लगातार उनकी फोटो जो फोटो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये सारा देश जानता है, बीजेपी के लिए राष्ट्र प्रथम है, व्यक्ति दूसरे नंबर पर है। इनके लिए व्यक्ति पहले नंबर पर है, राष्ट्र दूसरे नंबर पर है। झंडा लगाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? निश्चित तौर पर हो रही है, सबके खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं, सब पर इनाम घोषित किए जा रहे हैं, आपने देखा हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वो देखिए, अभी सबके सामने रिजल्ट आ जाएंगे कि ये विरोधी दल वहाँ कहाँ खड़े हैं। सरकार निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है, इस बार पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। आज मोदी जी पर इस देश के लोगों का, सभी वर्गों का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। मैं एक बात कहता हूँ, जैसे प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती, प्रकृति सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, जैसे सूरज धूप देने में कोई भेदभाव नहीं करता, जैसे बादल बरसने में कोई भेदभाव नहीं करता, वैसे मोदी जी इस देश में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते। उनका एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। किसान आंदोलन के बावजूद गुर्जर ने दावा किया कि पश्चिमी बंगाल के चुनाव में वहां की जनता ने तय कर लिया है और निश्चित तौर पर वहां भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और आज मोदी सरकार पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती, उसी तरह मोदी सरकार भी किसी से भेदभाव नहीं करती और सबका साथ सबका विकास की नीति पर चल रही है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।